नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। पेट्रोल और डीजल हुए महंगे। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल के दाम 3.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 2.37 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम मौजूदा 59.20 रुपए से बढ़कर अब 63.16 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे और डीजल के दाम 47.20 रुपए से बढ़कर 49.57 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2 अप्रैल व 16 अप्रैल को पेट्रोल के दाम में क्रमशः 49 पैसे और 80 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। डीजल के दाम में क्रमशः 1.12 रुपए और 1.30 रुपए प्रति लीटर कम हुए थे। अब आसानी से मिलेगा बंदूक का लाइसेंस। बंदूक रखना अब आसान हो सकता है क्योंकि गृह मंत्रालय 56 वर्ष पुराने शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने और लाइसेंस हासिल करने की लंबी प्रक्रिया को छोटा करने पर विचार कर रहा है। सरकार ने गुरुवार को मसौदा नियमों को सार्वजनिक किया जिनके अनुसार हथियार के लाइसेंस के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या घटाकर 1 दर्जन से कम कर दी जाएगी, जो फिलहाल करीब 2 दर्जन है। मोदी सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को नकारा। भारत ने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक आयोग की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस तरह की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेता है। आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमले हुए और उनका जबरन धर्मांतरण किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमारा ध्यान USCIRF की एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर फैसला सुनाया गया है, लेकिन हम इस तरह की किसी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी से क्या चाहती है कलावती। विदर्भ के किसान की विधवा कलावती बांडूरकर अब चाहती है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके बेटों की आजीविका में मदद करें। कलावती 2008 में तब चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और उनकी दशा की चर्चा संसद में की थी। अमरावती जिले में राहुल के दौरे के चकाचौंध से दूर 59 वर्षीय कलावती अब भी उस दिन को याद करती है जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनसे घर आकर उनसे मुलाकात की थी।